जब दर्द में भी चीख चीख कर मैंने तांडव किया, जब दर्द में भी चीख चीख कर मैंने तांडव किया, तब महाकाल ने खुद मेरा नाम राम लिया। फिर चाहे भगवान हो या इंसान, मैं सबके लिए एक बहुत बड़ी हानि था। फिर चाहे भगवान हो या इंसान, मैं सबके लिए एक बहुत बड़ी हानि था। मैं रावण बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ और ज्ञानी था। एक विद्वान पंडित था तू, ओंकार पढ़ने वाला, लंकेश्वर परम ज्ञानी, संस्कार गढ़ने वाला। पर तब कहाँ गए थे वे संस्कार, जब बहन ने तेरी लुभाने को अपने यौवन में एक शादीशुदा मर्द को चुना था, और तेरे अहंकार ने उसकी उस जिद को सुना था। कुछ के लिए बुरा, कुछ के लिए ताकत और क्षमता, कुछ के लिए बुरा, कुछ के लिए ताकत और क्षमता हूँ। हाँ, मैं वही रावण हूँ जो आज भी अपनी बहन की सुनता। हाँ चल माना, तू वो भाई है जो बहन की सुनता है। और काश काश कि मेरा भी कोई भाई होता। तो सीता जी के भाई नहीं था। कि हाँ माना चल, कि तू वो भाई है जो बहन की सुनता है, और काश कि मेरा भी कोई भाई होता जो मेरी सुनता। पर एक बात बता दूं कि हश्र तेरा तब भी वही होता जो अब हुआ था, क्योंकि गलती तो तूने उसी पल की थी जब जब तेरे अहंकार ने गलत जिद को सुना। ना मैं पहले मरा था ना मैं हारा था। मुझे बस मेरे विश्वास और भरोसे ने मारा। कि हाँ माना, भाई बहन की पीड़ दिल को सताती है, पर क्या दिखा नहीं तुझे कि वो बहन जो बनना चाहती है दूसरी औरत कहलाती है। कि माना भाई बहन की पीड़ दिल को सताती है, पर क्या दिखा नहीं तुझे कि वो बहन जो बनना चाहती है वो दूसरी औरत कहलाती है। और तेरा फर्ज था उसे समझाना, गलत सही में फर्क दिखाना। कि तेरा फर्ज था उसे समझाना, गलत सही में फर्क दिखाना, पर तेरी कमजर्फ नीयत ने तो तब कहर कर दिया जब तू खुद दूसरा मर्द बनने का ख्वाब लिए चल दिया। हाँ किया गलत, एक औरत की इज्जत के लिए दूसरी को उठा लाया। हाँ किया गलत, एक औरत की इज्जत के लिए दूसरी को उठा लाया था। तो बता दूं कि राम ने सीता को कुरान सा साफ और गीता सा पाक ही वापस पाया था। शर्म कर अपने इस झूठे गुरूर पर, शर्म कर अपने इस झूठे गुरूर पर कि महानता थी तेरी जो तूने मुझे नहीं लगाया हाथ। कि शर्म कर अपने इस झूठे गुरूर पर कि महानता थी तेरी जो तूने मुझे नहीं लगाया हाथ। शायद तू भूल गया नलकुंभ के श्राप को, शायद तू भूल गया नलकुंभ के श्राप को, और साथ ही भूल गया कि वो मैं थी जिसने तुझे नहीं आने दिया अपने पास। तो क्यों फिर सतयुग से लेके कलयुग तक सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा? तो फिर क्यों सतयुग से लेके कलयुग तक सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है? कभी अपनों में तो कभी परायों में उसे खुद को साबित करना पड़ता है। कि जानती हूँ अब तू ये सोच रहा होगा कि 10 सिरों वाला बलशाली है तू। मत भूल कि जिस जाल में तू फंसा था उसे तूने खुद अपने लिए बुना था, क्योंकि गलती तो तूने हर उस पल की थी जब जब तेरे अहंकार ने गलत जिद को सुना था। लिबास काला आवाज काली, लिबास काला आवाज काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ। लिबास काला आवाज काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ। तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ।